नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज से। विकासखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति कोराब का एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम ब्लॉक संसाधन केंद्र कोराब में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना कोराब की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान और बाल हित धारक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान के जिला समन्वयक सूबेदार सिंह ने बताया कि बाल श्रम समाप्त करने के लिए और बाल संरक्षण के लिए सभी बाल हित धारकों को सक्रिय रूप से आगे आना होगा। उन्होंने बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरी करने संबंधी जानकारी दी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति के बाद में शिक्षा के लिए सरकार द्वारा छात्रों के परिवारों को मिलने वाली डीबीटी की जानकारी दी। सभी छात्रों को डीबीटी मिले, इसके लिए उन्होंने विद्यालय प्रबंधक समितियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिला समन्वयक शहजाद अख्तर ने आयुष्मान भारत योजना की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि योजना का लाभ न पाने की वजह से कई बार बच्चे बाल श्रम और विभिन्न तरह के शोषण का शिकार होते हैं। उन्होंने वंचित समुदायों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु सरकार द्वारा विशेष कैंप लगाने और पात्र परिवारों के स्वास्थ्य बीमा और उसके लाभों को प्राप्त करने की विस्तार से जानकारी दी। श्री शहजाद अख्तर ने ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षणों पर चर्चा करते हुए बताया कि बाल हितों के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को और प्रभावी तरीके से कार्य करने की जरूरत है, जिससे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी कोराब सरोज कुमारी ने विकासखंड कोराब के ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की जानकारी दी। उन्होंने समितियों को पूरी सक्रियता से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि समितियों की सक्रियता से ही बाल श्रम पूरी तरह समाप्त होगा। प्रशिक्षण में रविशंकर एडवोकेट, सुधीर केहरी एडवोकेट, संतोष कुमार, विजय शंकर, राम अवध, राम जनक, मुख्य सेविका करुणा सिंह, शिववाला देवी, प्रभा सिंह, जनक दुलारी आदि ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयागराज से।